हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो बुक्स आपकी चलती हैं उसमें जो इतिहास की आपकी बुक है अतीत से वर्तमान, ठीक है, उसमें हम लोग आज की वीडियो में पांचवां, छठा और सातवां चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि कैसी वीडियो आज की रही, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, जो लोग नए हों उन लोगों के लिए यहाँ पर देखिए स्पेशली वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं। जैसे कि बीच में जैसे ये कहानी सब लिखी है, ये सब आपको नहीं पढ़ के सुनाया जाएगा, सिर्फ वो चीज़ें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो MCQ होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसमें चार क्वेश्चन जिसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपके में कहानी तो रिटर्न में तो लिखने को आएगी नहीं, सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो ये पांचवां, छठा और जो सातवां चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को देख लेते हैं। अब देखिए, धातु युग क्या है? धातु युग किसे कहा जाता है? नवपाषाण काल में के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया, ठीक है। ये इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब धातु युग में आगे चलकर सिंध में कोट दीजी और अमरी, ठीक है। सिंध में कौन सी जगह है? कोट दीजी और अमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। उत्तरी पंजाब में सराई खेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा ज़्यादा पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ पर पाया गया? तो वो इस वर्तमान में कहाँ पे है? वो राजस्थान में। जैसे स्थलों का विकास हुआ, इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा और लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसके चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए, धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धातु युग का आरंभ कब हुआ, तो वो हुआ नवपाषाण काल में, अंतिम चरण में हुआ हो लेकिन नवपाषाण काल में ही होगा। पहला धातु कौन सा था? तांबा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, पहली धातु कौन सी थी? वो थी तांबा। ठीक, अब अगला है, कृषि पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले किसमें? नवपाषाण काल में ही, नवपाषाण काल में ही कृषि पशुपालन और शिल्प के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से बन सकता है सिर्फ वही चीज आपको बताई जा रही है। लगभग देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला है। ठीक है, और ये इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया था। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब उत्खनन किया तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा, ये जितने भी नाम लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे जानकारी इसी चैप्टर में दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उसको, अब ये देखिए, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एक पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की राखलदास बैनर्जी ने, आरडी बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी। कालीबंगा की ब्रजवासी लाल ने, लोथल की रंगनाथ राव ने, धौलावीरा RS बिस्ट ने, चौंदड़ो की गोपाल मजूमदार ने और रंगपुर की माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, सन भी आपको पता होने चाहिए, स्पेशली हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, धौलावीरा, ये सारे आपको पता होने चाहिए। किस नदी के तट पर हैं, या ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो के बारे में अक्सर लोग पता होगा, लेकिन जैसे कालीबंगा घग्घर, ठीक है, लोथल भोगवा, ठीक है, चौंदड़ो सिंधु, रंगपुर यहाँ पे मादर, ठीक है, ये होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो ये आपको चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ठीक, तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। ठीक है, तालाब मोहनजोदड़ो में ही एक कुआं भी मिला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित था, ये सब चीज़ों की कोई मतलब नहीं है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताएं वाली संरचनाएं मिली हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। ये इन सभी जगहों पे मिला है। ठीक है, अन्नागार कहाँ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, यहाँ सब कहीं मिला है। इस तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल, ठीक है, ये दो स्थान हैं, यहाँ क्या मिले? अग्निकुंड भी मिले हैं, अग्निकुंड। ठीक, अब ये देखिए,
भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया, अभी तक की बात हो रही इस समय, भारत की लगभग जो 28% जनसंख्या है उसका क्या हो गया, नगरीकरण। अब देखिए हड़प्पा जो नगर था उसमें अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी पाए जाते थे, स्नानागार भी होता था और नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी होती थी और इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का उचित प्रबंध किया गया। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो जो हड़प्पा नगर की जो नालियाँ थी, गलियाँ थी, वो गलियाँ तथा सड़कें कितने कोण पर, कैसे कोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। नाले जो है वो ईंटों से ढके हुए होते थे, बताइए आप सोच के देखिए इतना पुराने समय की बात की जा रही है, उस समय भी नाले ईंटों से ढके होते थे और आज के समय में देखिए क्या स्थिति है, खासकर यूपी बिहार की स्थिति। ठीक, अब आगे देखिए, मोहर जो थी हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का भी यूज किया जाता था। ठीक है, ठीक, हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। हड़प्पा के समय में जो गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे ये लोग। ठीक, खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। कौन कौन से थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। ठीक, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था, यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतड़ी से तांबा, कहाँ से हड़प्पाई लोग कहाँ से लाते थे, राजस्थान खेतड़ी से तांबा लाते थे। ठीक है, कर्नाटक के कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदख्शां से वैदुर्य मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इन जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए, खेतड़ी कहाँ है राजस्थान में, कोलार कहाँ है कर्नाटक में जहाँ पे सोने खाने होती हैं। ठीक है, ईरान से चांदी लाते थे, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से, बदख्शां कहाँ है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मिलुआ की चर्चा मिलती है, मिलुआ सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको कहते हैं मिलुआ। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। हड़प्पावासी जो थे वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था, उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक, हड़प्पाई लोग जो थे वो भूत प्रेत और जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। अब देखिए धौलावीरा, अब इन जो जगह हैं धौलावीरा, लोथल, इनके बारे में जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा है। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों के दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर तीन भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की ले की मदद से बनाया गया। ठीक, मेन चीज़ इसमें यही है, धौलावीरा कहाँ है वर्तमान में, ये गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है, लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी, किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई हैं। तो गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें कहाँ से पाई गई, लोथल से पाई गई। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण स्थान था कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, यहाँ से जली मार्ग से व्यापार किया जाता था। ठीक है, लोथल क्या था, एक बंदरगाह भी था। ठीक, फिर देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता संस्कृत के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृत में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव,
के नाम से जानी एवं जारवे संस्कृत के नाम से इनाम गांव एवं जारवे संस्कृत के नाम से जानी जाती है। आज भी हम मातृदेवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ चैप्टर था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे जो सीधे सीधे बन सकते हैं। ठीक, अब हम लोग सिक्स चैप्टर देख लेते हैं। ये है सिक्स चैप्टर, जीवन के विभिन्न आयाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया। वेदों की संख्या कौन सी होती है? चार होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो होता है ऋग्वेद। अब आगे देखिए, ठीक, वैदिक साहित्य दो श्रेणियों में विभक्त है, पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो पूर्व वैदिक साहित्य में सिर्फ ऋग्वेद है और जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में तीनों, और इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक युग को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे थे, मतलब पुराने समय में लिखित रूप से नहीं पढ़ाई होती थी, मौखिक रूप से, जैसे हमने ज्ञान प्राप्त किया और फिर हमने मौखिक रूप से आपको दिया और आपने उसको सीख लिया और फिर आपने अगली पीढ़ी को मौखिक रूप से चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया। ठीक, अब देखिए वैदिक साहित्य में वेद कितने हैं? चार हैं, ब्राह्मण नौ हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। आरण्यक छः होते हैं, प्रारंभिक उपनिषद 13 हो सकते हैं और कुल उपनिषद जो है वो 108 होते हैं। ठीक, देखिए इसलिए वेद को श्रुति सुना हुआ, श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। ठीक है, क्योंकि वेद को कभी लिख के नहीं, सुन के ही लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? सुना हुआ। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। वेदों की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत होती है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन सकते हैं, वेदों की भाषा क्या होती है? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विदेश विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते हों। ठीक है, तो वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले जो लोग थे वो खुद को आर्य कहते थे और इनके जो विरोधी थे उनको दस्यु कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए आर्य कौन थे? आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृत को विकसित किया जो वैदिक संस्कृत के नाम से जानी जाती है। ठीक, भारोपीय भाषा क्या है? यह संस्कृत भाषा भारोपीय भारत और यूरोप भाषा का वर्ग का अंश है, मतलब भारत और यूरोप को जोड़ के भारोपीय भाषा। ठीक है, भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा, ये तो भारत की हो गई, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, तथा यूरोप की कौन सी? बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी या स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे, उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत में और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी, मैटर जर्मनी जर्मनी। तो देखिए मातृ संस्कृत में बोला जाता है, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी में, मैटर जर्मनी, एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं। ठीक है, अर्थ भी एक ही है इनका। ठीक, अब देखिए आगे देखिए आर्यों का बसाव क्या था? ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंदव शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब आर्य जहाँ निवास करते थे उसको क्या कहा जाता? सप्त सैंदव, ठीक है, प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, जैसे आजकल हम पंजाब, वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते हैं। जो सप्त सैंदव प्रदेश था वो कौन सा है? वर्तमान में पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सप्त सैंदव में। देखिए सप्त सैंदव में सिंधु एवं उनकी पांच सहायक नदियां आती थी, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती द्वितीय नदियों का क्षेत्र है। गंगा, यमुना, दोआब, ये गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक, आगे देखते हैं गौधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा होता था। ठीक है, गौधन, गौ की रक्षा, गायों की रक्षा। ठीक है, क्योंकि गाय ही पाली जाती थी उस समय। ठीक है, गाय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान था उस समय ऋग्वैदिक काल में, तो उसकी रक्षा के लिए एक का चुनाव किया जाता था, इसकी रक्षा के लिए उसको राजन या सरदार कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में
आम लोगों की संस्था के रूप में विदत्त का सबसे ज़्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत्त का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। ठीक, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। ठीक है, मुख्य पेशा क्या था ऋग्वैदिक काल में? पशुपालन। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिलता है। यव मतलब होता है जौ, जौ जो होता है अनाज को यव कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में। ठीक है, उसका वर्णन किया गया था। सोम एक पौधा है। ठीक है, सोम देवता के बारे में हम लोग सुनते हैं, अग्नि आग का देवता। सोम एक पौधा जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। ठीक है, सोम क्या है? तो सोम था एक पौधा जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद में पुरुषोक्त में ब्राह्मण राजन्य क्षत्रिय या योद्धा वैश्य एवं शूद्र अर्थात चार वर्णों की कल्पना की गई थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्णों की कल्पना की गई थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी ऋग्वेद काल में। ठीक, फिर उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें हो पाई थी। ठीक, अब देखिए, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले? हस्तिनापुर, आलमगीरपुर और अतरंजी खेड़ा। आगे, ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे से विलीन होकर बड़े बड़े जनपदों को जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ पुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वस एवं क्रिव जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। ठीक, पुरु एवं भरत मिलकर क्या? कुरु बने। ठीक है, कुरु जनपद बना, और दुर्वस और कृवि जन जो दो जन मिलके पांचाल जनपद कहलाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, जो मेन चीजें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया था। वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप में दी जाती थी, यह मैंने पहले ही आपको बता दिया, मौखिक रूप में दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता, मतलब बिल्कुल रटा दिया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। कितने? 12 वर्षों तक। अब ये यहाँ पर एक कहानी है, कहानी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कहानी एक तरीके से दिखाया गया किस तरीके से पढ़ाया। अब इनाम गांव काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इनाम गांव। ठीक, इसको एक मिनट। ठीक, अब ये इनाम गांव है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के किनारे के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। ठीक है, इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये इनाम गांव वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र के एक जगह पे है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन था। ठीक है, किस काल में था? ताम्रपाषाण। इस जगह पर 3600 से 2700 साल, मतलब 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व पहले लोग रहते थे जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पुरातत्व स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे जिसकी छत फूस की बनी होती थी जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे जिन पर काले रंग की ज्यामिति आकृतियाँ होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि पशु पालते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक आदमी दफन करने का तरीका था। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ हमने एग्जाम्स देखे उसमें पूछा जा चुका है। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफना दिया जाता था। ठीक है, मकान के आंगन में कहाँ दफनाया जाता था? इनाम गांव में। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिसमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिले? कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार कहाँ मिले? इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ वर्तमान में पाया जाता है, कहाँ पे, कौन से स्थान पे पाया जाता है? तो वो महाराष्ट्र में। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये 6th चैप्टर, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 7th भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए,
सेवन चैप्टर है, प्रारंभिक राज्य, ठीक है, जन और जनपद ये सब तो आप लोग पढ़ ही चुके। अब यहाँ पे देखिए महाजनपद का विकास, लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों ने हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें अंग, मगध, कौशल वत्स, अवंती, ठीक, काशी, कौशल वत्स, अवंती, वज्ज, मल्ल आदि महाजनपद मुख्य थे। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में स्थित थे। अब देखिए ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से महाजनपद हैं जितने यहाँ पे लिखे हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है या फिर कौन सा आता है, ठीक, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए जो ना पता हो आपको, ठीक। आगे देखते हैं जो मेन चीज थी। अब देखिए प्रायः उपज का 16वां हिस्सा उस समय कर लिया जाता था स्पेशली, ठीक है, तो उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था, ठीक है। महाजनपदों में उपज का 16वां हिस्सा लिया जाता था जिसे भाग कहा जाता था, ठीक। मगध का उत्थान, मगध देखिए, मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार, ठीक, राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल, ठीक है, आधुनिक राज्य बिहार में कहाँ पटना जो क्षेत्र पड़ता है वही प्राचीन काल में मगध था, ठीक है, मुख्यालय गया तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खाने थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य जो है वो गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। कृषि की समृद्ध एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था, ठीक है। मगध की दोनों राजधानियां, दो राजधानियां कौन कौन सी थी, राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। मगध की कौन कितनी राजधानियां थी, दो थी, कौन कौन सी, एक थी राजगीर जो पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इसके अत्रिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया, ठीक। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था, सबसे पहला वो था बिंबिसार, ठीक। इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। देखिए अजातशत्रु का आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, ठीक है, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का, ठीक है। उसने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्ज संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। कौशल के राजा का नाम क्या था, प्रसेनजीत, इसको किसने हराया था, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर लिया, ठीक। और अब देखिए जो मेन चीज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध का राजा बना। अजातशत्रु के बाद उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था, उदयीन ने। उसके काल में मगध और अवंत की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय अवंत का राजा चंद्र प्रद्योत था। उसने कई युद्धों में अवंत को हराया, फिर भी अवंत मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंत, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, ठीक, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। घनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। मगध की समृद्ध एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसका अध्ययन आप कक्षा 9 में करेंगे। अब देखिए गणराज्य, गणराज्य क्या होते थे, कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें गणराज्य कहा जाता था, जैसे साख्य, लिच्छवी, वज्ज, विदेह, त्रातत्व, मल्ल, कोलीय, मोरी आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे, ठीक है। और आगे देखिए मगध के निकट वज्ज संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्ज संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। मानचित्र में वज्ज संघ की पहचान करें, वज्ज संघ 8 गणों का संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्ज प्रमुख थे। वज्ज संघ के विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, वज संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गढ़ था, ठीक है। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी, ठीक। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था, ठीक। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किए। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवीगढ़ पर विजय प्राप्त की। इसके बावजूद उसका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ठीक। अब नगरों का विकास, करीब 2600 साल पहले 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह या जिसे राजगीर बोलते हैं, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, पटना आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिले हैं, ठीक। बस तो इस तरीके से ही आपके 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, जितना आप आगे बढ़ेंगे, अभी 6th क्लास आपका समझो कंप्लीट ही होने वाला है, ऐसे 3-3 करके करेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 7th अर्थ जैसे ही आएगा तो आपको बहुत अच्छे चैप्टर्स आपको आगे मिलने वाले हैं, ठीक। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।